अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज मौजू किसी खास शख्सियत पर है। यकीनन वक्त का फिरौन दंदना रहा है। अबू लहब अबू जहल अपना लिबास चेहरा बदल कर सामने आ रहे हैं। एक अजीब दौर कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो निशाना मुसलमानी है, पर बजाय मुसलमानों के दीनी इल्मी दानिशवर माहिरीन बेखौफ होकर आवाज उठाते खामोश नजर आ रहे। शद्दाद अबू बिन खल्फ, उत्बा, शैबा हर जमाने में तारीख के मुख्तलिफ दौर में आए हैं और आ भी रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं पर खालिद बिन वलीद, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर नहीं आ रहे। खैर, बदलते हालात बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे। निशाने पर मुसलमान है, फिरका परस्तों का जोर है, फिर ताई ताकते अपना तसल्लुत जमाए हुए हैं और ऐसे वक्त में कोई ऐसा शख्स आवाज उठाए और अपने आप में तारीख रकम करे, ये भी बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। आज उसी शख्स पर कुछ बोलना जरूरी समझता हूँ और उसका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार ने तारीख रकम कर दी है। भारत की इस दौर को कौन सा दौर कहा जाए समझ में नहीं आता, जहां न्यूज चैनल सहाफत को मुल्क के आईन, संविधान, जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है। अब एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीदने के बाद यह सुतून ढह गया है। कहते हैं कहानियां और तारीख भीड़ में चलने वालों की नहीं लिखी जाती, बल्कि भीड़ से अलग पहचान बनाने वालों की लिखी जाती है, और रवीश कुमार ने यह कर दिखाया है। क्या अपने आप को फरोख्त करना रवीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल था? करोड़ों की बोली रवीश कुमार पर लग सकती थी, लेकिन हुकूमत से, सत्ता से सवाल करते करते इस तरह गोदी मीडिया ने किनारा करने की कोशिश की कि तमाम जमीर फरोश एंकर, न्यूज कहने वाले और मीडिया ग्रुप, अखबार एक तरफ और रवीश कुमार नाम एक तरफ, अपनी ऊंचाइयां उबूर करता रहा। बहुत सारे पत्रकारों को, सहाफियों को जेल में डाल दिया गया। आज भी कई सहाफी जेलों में बंद हैं। अपना जमीर, अपना ईमान का सौदा कर मोदी हुकूमत के तलवे चाटने वाले कई न्यूज चैनल हो सकते हैं। करोड़ों रुपये तो कमा लिए होंगे और कमा भी रहे हैं, लेकिन तारीख के औराक में इनकी जगह चाटुकारिता की फहरिस्त में ही दर्ज की जाएगी और दर्ज हो चुके। अब जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ यूट्यूब चैनल की शुरुआत की तो यहाँ भी गोदी मीडिया के जहरीले एंकर रवीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए देखा जा रहा है, जिसमें कई सारे नामों की फहरिस्त है। अंजना ओम कश्यप, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और भी कई सारे हैं। लिहाजा ट्विटर पर कुछ सरगर्म होकर रवीश कुमार को ताना देने का काम भी कर रहे हैं, जिसमें मनोज मुंतशिर का नाम सरफहरिस्त देखा जा रहा है। अपने आप को शायर और फिल्मों के गाने लिखने वाला भी समझता है और अब तो जी टीवी में डीएनए के नाम से प्रोग्राम भी चला रहा है। अब ये भी जहरीली जहनियत से मुतासिर हो चुका है और इसमें भी महज हिंदू मुस्लिम नफरत के प्रोग्राम चलाता रहता है। पिछली मरतबा यही मनोज मुंतशिर था जिसने टीपू सुल्तान पर तौहीन आमोज प्रोग्राम चलाते हुए कैसे टीपू सुल्तान हिंदू मुखालिफ थे कि फर्जी कहानियां पेश कर रहा था। खैर, फिल्मी दुनिया के भी कुछ लोग इस तरह नफरती एजेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्होंने वक्त के फिरौन से टकराने की जरूरत की है। ऐसे लोगों का नाम इस वक्त लेना बहुत जरूरी है और ऐसे वक्त में मुस्लिम रहनुमाओं का क्या किरदार होना चाहिए था, इस पर थोड़ा बाद में बोलूंगा। पहले उन लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने भाजपा और सिंह की विचारधारा के लोगों ने संविधान को चुनौती देते हुए कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया और एक मुनज्जम अंदाज में किस तरह एक समाज के खिलाफ नैरेटिव चलाकर हिंदू मुसलमानों के दरमियान कभी न मिटने वाली दरारें पैदा की, और कुछ लोगों ने कैसे हुकूमतों की साजिशों को ही चुनौती देते हुए इनके खिलाफ आवाज बुलंद की। रवीश कुमार इसमें सबसे पहला नाम कह सकते हैं। वैसे भी इस मुल्क में विपक्ष या मुखालिफ पार्टियों का वजूद ही न के बराबर है और यही काम रवीश कुमार ने किया है, विपक्ष का काम किया है। सत्ता से सवाल पूछना आज की तारीख में अपने आप को मुसीबतों में डालने के बराबर है, लेकिन बिना किसी खौफ, बिना किसी दबाव के रवीश कुमार ने पत्रकारिता का हक निभाया। आज भारत में देखा जाए तो दो गिरोह नजर आएंगे, एक जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और जाहिर है हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व का आलमबरदार जो भी होगा, जाहिर है मुसलमानों के खिलाफ जहर तो उगलना इसका फर्ज अव्वलीन होगा। मीडिया, सियासी लीडरों का मुस्तकिल काम यही रहा कि किसी तरह मामले को मुसलमानों के खिलाफ चलाया जाए ताकि मुल्की सतह पर एक समाज को लेकर माहौल बनता रहे। फिर वोटों का ध्रुवीकरण, सियासत, इख्तदार, तमाम बातें इसी जुमरे में आती हैं। पिछली कुछ वारदातों पर नजर डालने से यह भी मालूम होता है कि कौन लोग थे वो जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। सीए एनआरसी में आवाज कॉलेज के तलबाओं ने उठाई। जेएनयू की देवांगना कलिता नताशा नरवाल को गिरफ्तार किया गया।
रविशेखर और एकता को दो हफ्तों तक जेल में रखने के बाद रिहा किया गया। ऐसे सैकड़ों वाक्य मौजूद है जिनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन मुसलमानों पर हो रही ज्यादति और इनके खिलाफ बनाए जा रहे नए कानूनों की मुखालफत की, जिसके बदले जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2020 एक ही साल में तकरीबन 60 के करीब सहाफियों को जेल में इसलिए रखा गया क्योंकि भाजपा और संघ के मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे का इन्होंने विरोध किया और इनके खिलाफ रिपोर्टें बनाई और इसे गैर संवैधानिक बताने की कोशिश की। और खास बात यह रही कि सिर्फ मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के थे, इन्हें छोड़कर अक्सर गैर मुस्लिम ही पाए गए। खैर, इन तमाम में रविश कुमार की अपनी अलग पहचान देखी गई। बिल्कुल आम जुबान में हुकूमत, संघ और फिरका परस्ती पर हमला कर अवामी बेदारी के खिदमात को इन्होंने अंजाम दिया और वो दे भी रहे। जाहिर है इन्हीं की वजह से ना सिर्फ भारत में बल्कि दिगर मुल्कों में भी रविश कुमार की पहचान हक बोलने वाले के तौर पर रही। इन्हें कई सारे अवार्डों से नवाजा गया। रात में लाखों लोग मैं रविश कुमार वाला प्राइम टाइम देखने के लिए मुंतजिर हुआ करते थे। इससे पहले भी कई मरतबा इस बात को वाजा करते हुए रविश कुमार ने कहा था कि कोई सेठ इस चैनल को खरीद लेगा तो कहीं पर भी खड़े होकर न्यूज पढ़ लेंगे। क्या न्यूज पढ़ने के लिए स्टूडियो का होना जरूरी है? रविश कुमार ने एनडीटीवी तो छोड़ दिए लेकिन सहाफत नहीं छोड़ी। हिटलर के नक्श कदम पर चलने वाली हुकूमत क्या यूट्यूब चैनलों पर भी पाबंदी लाने वाली है? ऐसे सवाल भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि मुल्क में जहनी गुलामी का तूफान उठ चुका है। वक्त के तानाशाह से कोई पंजाराई नहीं करना चाहता। जिस मुल्क में कलम और सहाफियों की जबान ही खरीद ली जाए या इस पर पहरे बिठाए जाने लगे, तब मुस्तकबिल क्या हो सकता है इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को लेकर कोई और आवाज उठा रहा है और जिस मजलूम माशरे के लिए आवाज उठाई जा रही है वो मुस्लिम माशरा अपनी दुनियाई जिंदगी में मस्त है, अपनी दुनिया में ऐश में जी रहा है। आखिर संजीव भट्ट को जेलों की अजियतें क्यों उठानी पड़ रही है? क्यों तो मुंबई से अहमदाबाद एटीएस तीस्ता सितलवाड़ को अहमदाबाद की जेल में मुकदमे दर्ज कर रखती है? गुजरात दंगों में मुसलमानों के कत्लेआम पर आवाज उठाने वाले कौन है? आनंद तेलतुंबड़े का हाल क्या हुआ? स्टेम स्वामी को तो जेल में ही जान से मार दिया गया। आज रविश कुमार वो नाम है जिसको दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का अमीर शख्स अडानी भी खरीद नहीं सका। और पता नहीं कितने लोग जिनका आखिरत में किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं, लेकिन उस कौम के बारे में आवाज उठा रहे हैं जिनका एतमाद आखिरत पर है। और ये आखिरत पर एतमाद रखने वाली पूरी कौम खामोश है। कयामत पर इन जिनका भरोसा है, क्योंकि मुसलमानों में आवाज नहीं उठाई जाती। गैरतमंद किसे समझा जाए? वक्त के फिरौन से टकराने की जुरत कहां चली गई? क्या दुनिया की जिंदगी पर इस दौर का मुसलमान राजी हो चुका है? जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कौम, बड़े इदारे, तंजीम, मदारिस के जिम्मेदार सियासी रहनुमाओं के हलक से आवाज निकलने को तैयार नहीं। कुछ ही रुपयों में बिकने की आदत इस दौर के मुसलमानों को हो रही है क्या? ऐसा सवाल भी बार बार जहन में आना लाजिम हो जाता है। बहाने तो हजार किस्म के होते हैं। बयान बहस में इस दौर का मुसलमान महारत हासिल कर चुका है, लेकिन इनकलाबाद बहस बयानों से नहीं, जरूरत और कुर्बानियों से बरपा होते हैं। और शायद इस दौर का मुसलमान इस दौर के फिरौन से समझौता कर अपना गुजारा करना चाहता है। क्या रविश कुमार जैसे साहबियों से सबक सीख सकते हैं? शायद इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि सबक सीखोगे तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और जिन लोगों ने, यानी कि आज के दौर के मुसलमानों ने हजार साल जीने का इरादा कर ही लिया हो, तो इनके मुकद्दर में सिवाय गुलामी का कुछ नहीं रहता। इत्तेहाद न्यूज रविश कुमार की जुरत को सलाम करता है। अहम खबरों पर एक नजर। जल्द रियासती चुनाव होने जा रहे हैं तो सियासी सरगर्मियां भी जारी हुई है। अरसे से खामोशी इख्तियार किए साबिक वजीर और बीजेपी लीडर रमेश जारकीहोली अब सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। बेलगाम ग्रामीण में फिर से कांग्रेस की काई लक्ष्मी बाड़कर को हराने की बात रमेश जारकीहोली करते हुए देखा जा रहा है। आज तकरीबन 10 से भी ज्यादा ग्रामीण इलाकों में सियासी लीडरों से मुलाकात फरमाई। इससे एक तरह की रमेश जारकीहोली की सरगर्मी ही कही जा रही। सेवा फाउंडेशन के नई शाख के इफ्तिताह अमल में आई। दास्तीकोप में सेवा फाउंडेशन के मेम्बरान की शमूलियत का इजलास अमल में लाया। दास्तीकोप के मेम्बरान को टी शर्ट और आईडी कार्ड सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उनके जो है जो मेंबर्स और जो ब्लॉक कमेटी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब तय किए हैं हमारे जो सेवा फाउंडेशन बेलगाम की जानिब से, तो हम उनका खैर मकदम इस्तकबाल करते हुए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये बोलिए कि इंशाल्लाह इनसे जुड़कर काम करो, अल्लाह ताला की मदद रहेगी साथ। प्रेसिडेंट बनाए गए इनको
ये सर्टिफिकेट इनको अदा कर दो। क्या है सेवा फाउंडेशन जो पिछले बहुत टाइम से बेलगाम में काम कर रहा है, आज कास्ती कोर्ट से जो है सेवा फाउंडेशन का साथ देने के लिए यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है और आज दास्तिक को ब्लॉक की जो है टीम बनी है। सेवा फाउंडेशन जो काम बेलगाम में कर रहा है उसी काम को जो है उसी जोश के साथ और उसी तड़प के साथ जो है दास्तिक की टीम भी जो है करेगी, ये उम्मीद से आज का ये प्रोग्राम हो रहा है।